फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स। इन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आईवी सेट, मींस इंट्रावीनस सेट। जो हम आईवी इन्फ्यूजन लगाने के लिए, जो रिंगर डेक्स्ट्रो जो सॉल्यूशंस लगाने के लिए हम लोग जो सेट यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आईवी सेट्स, इंट्रावीनस सेट्स। अब ये जो आईवी सेट है, ये सेट्स क्या है, सेट्स यूज टू डिलीवर फ्लूइड थ्रू आईवी, जिसके जो हमारे जो सेट सही इसके लिए यूज होते हैं, हमारा जो फ्लूइड है उसको डिलीवर करने के लिए थ्रू आईवी रूट हम लोग इसको यूज करते हैं। आईवी रूट के थ्रू हम लोग जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है, जिसकी नीड है, वो हम लोग पहुँचाते हैं। ये हमारे क्या, इट इज स्टेराइल, पैरोजन फ्री होंगे एंड डिस्पोज, जो हमारे ये डिस्पोजेबल होंगे, दे हैव सर्टेन बेसिक कंपोनेंट्स। ये इसमें हमारे पास स्टेराइल होते हैं, इनमें जो पैरोजन फ्री होते हैं वो डिस्पोजेबल होंगे, और इनमें हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो यूज होते हैं इनको प्रिपेयर करने में, जो आईवी सेट्स है। ये हमारे पास इसमें क्या है, दिस इंक्लूड ए प्लास्टिक स्पाइक टू, इसमें हमारे पास प्लास्टिक स्पाइक होती है, जैसे ये हमारी स्पाइक है, इसको जो कवर किया होता है उसको हम लोग बोल देते हैं स्पाइक कवर। इसके ऊपर जैसे हमारे जो सिरिंजेस है उसमें नीडल होती है, नीडल के ऊपर कैप लगा हुआ होता है, उसी तरह इसके स्पाइक के ऊपर भी कैप होगा, जो जिसको हम लोग स्पाइक कवर बोल देते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्लास्टिक की स्पाइक है टू पीरस, जिसको हम लोग जो हमारी बोटल है फ्लूइड की उसमें इंसर्ट कर देते हैं। रबड़ क्लोजर होगा इसमें एक, एंड प्लास्टिक सील होगी, एक प्लास्टिक की सील होगी, रबड़ क्लोजर है, स्पाइसेस के जो कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे पास जो आईवी कंटेनर्स हैं उसमें हम लोग ड्रिप को राइट चैम्बर पे हम लोग जो है राइट चैम्बर पे इंसर्ट करेंगे, उसमें से जो एयर है उसको ट्रैप करेंगे, ट्रैप मतलब उसमें से एयर जो है वो निकाल देंगे, और फिर हम लोग जो एडजस्ट करते हैं इसका फ्लो रेट। जैसे आप लोगों ने ड्रिप देखी होगी, किसी भी पेशेंट के आईवी सेट लगता है, पहले एक हमारे पास स्टैंड होता है, उसमें क्या है, हम लोग जो है हमारी बोटल्स हैं उनको वहाँ पर हैंग आउट कर देते, जो हैंग कर देते, लटका देते, फिर हमारे पास जो आईवी सेट है जो इस तरह के हमारे पास दिखता है, उसे हम लोग उस बोटल में उसका पहले स्पाइक है वो इंसर्ट कर देते, उसमें से फिर हमारे पास जो है एक ड्रिप चैम्बर है जिसमें से ड्रिप कलेक्ट होता रहता है, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ से जो स्पाइक के थ्रू ड्रिप जो हमारा फ्लूइड आएगा वो इस कंटेनर चैम्बर में कलेक्ट होता रहेगा, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आता रहेगा। फिर यहाँ पे जो हमारा रोलर क्लैंप है, मीन्स जिससे हम लोग जो है आईवी हमारा जो इन्फ्यूजन है, हमारा जो सोल्यूशन है वो किस रेट से आएगा, हम लोग उसको स्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है, या उसकी जो है फ्लूइड की जो फ्लूइड है उसको हमने जो रनिंग है वो ज़्यादा तेज करना है, तो वो हम किससे एडजस्ट करेंगे, रोलर क्लैंप में से। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रूरल अडेप्टर होगा, जिसको हम लोग वेन में इंसर्ट कर देते हैं, वेन में या फिर हमारे हाथ में आर्म्स में जो वेन है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। ये था हमारा जो है आईवी सेट। अब इस सेट में जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं उनका पर्पस क्या है, इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं। फर्स्ट है, हम लोग इनको जो यूज करते हैं, पहले ये देख लेते हैं जो आईवी सेट है इनको हम लोग यूज क्यों करते हैं। आईवी तो हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं, प्रेंटरल प्रिपरेशंस, बट जब हम लोग प्रेंटरल प्रिपरेशंस देते हैं आईवी रूट से, तो हमारा जो फ्लूइड है उसकी जो अमाउंट है वो 2 या 3 ml होती है। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हमने फ्लूइड डोज, फ्लूइड की डोज लार्ज सॉल्यूशन हमने भेजना है बॉडी में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आईवी सेट्स। हम लोग जो है फ्लूइड आईवी सेट की हेल्प से हम लोग बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं, इसलिए उसकी यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन लार्ज वॉल्यूम ऑफ द प्रेंटरल्स। जब लार्ज वॉल्यूम हमने प्रेंटरल्स का यूज करना है, उसके लिए हम लोग आईवी जो सेट्स है उनका यूज करेंगे। अब इसमें हमारे पास पार्ट्स है, जैसे फर्स्ट है हमारा स्पाइक, स्पाइक के ऊपर एक कवर होता है,
जैसे हमारा ये मार्कर है इसमें कवर है, वैसे हर एक स्पाइक में जो हमारी नीडल्स है उनमें भी प्रॉपरली कवर होते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इन कवर्स का पर्पस क्या है, हम लोग इनको कवर क्यों करके रखते हैं? इनका पर्पस है कि जो हमारे प्रोटेक्ट है, ये स्पाइक को प्रोटेक्ट करेगा हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल है उससे प्रोटेक्ट करेगा, और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड है हमारा स्पाइक। स्पाइक क्या करता है? स्पाइक हमें हेल्प करता है पेजरिंग टू क्लोजर और कैप ऑफ बोटल, कि जिस बोटल में हमने रिंगर है, डेक्स्ट्रोज है, हमारी एंटीबायोटिक की कोई सिप्रोफ्लॉक्सिन की बोटल्स है, उनमें हमें ये इंसर्ट करने में हेल्प करता है कि उसमें हम लोग इसको अटैच कर सकें, क्योंकि जो ये स्पाइक है ये शार्प होगा आगे से, अगर शार्प होगा तो ही ये अंदर इजिली जो है वो इंसर्ट हो पाएगा, और इसके थ्रू ही जो हमारा बोटल है उसमें से जो हमारी फ्लूड है वो इस स्पाइक के थ्रू ही यहाँ ड्रिप चैम्बर में कलेक्ट होगी, ड्रिप चैम्बर से फिर जो थ्रू पाइप की होते हैं वो आगे क्या हमारे जो पेशेंट उसकी बॉडी में जाएगी। अब हमारे पास जो चैम्बर है, चैम्बर का पर्पस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो रेगुलेट करने जो सॉल्यूशन है ड्रॉप वाइज आ रहा है या फास्ट आ रहा है उसको कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा और उसके थ्रू हमारा जो सॉल्यूशन है वो आगे जाता रहेगा। इस रोलर से हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है हमने जल्दी फास्ट लगाना है पेशेंट को ड्रिप, या फिर हमने स्लो टाइम पे हमने वो जो ड्रिप है वो लगानी है। अब इसका जो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हम लोग कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट है हमारा द स्पाइक अडेप्टर टू द ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सेट इज इंसर्टेड इन टू द स्टॉपर ऑफ आईवी कंटेनर, मीन्स सेम जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जो आईवी कंटेनर है जिसमें हमारा फ्लूड है उसमें हम लोग इस स्पाइक को इंसर्ट कर देंगे। पहले इंसर्ट करने के बाद हम लोग इसमें से जो एयर है उसको हंग कर देंगे, जो हमारा स्टैंड होगा या फिर बेड की साइड है, हम लोग जो इसको पेशेंट की जो बेड की साइड है उसको हम लोग स्टैंड पे हैंग कर देते, लटका देते हैं बोटल्स को। फिर हम लोग इसमें से एयर है जो हमारे पाइप में एयर होगी, हमारे बोटल्स में अगर एयर होगी उसको रिमूव करेंगे। अगर हम लोग एयर नहीं निकालेंगे तो हमारा जो पेशेंट है उसकी बॉडी में फ्लूड नहीं जा पाएगा, क्योंकि एयर बबल्स आगे अटक जाते हैं और जो पेशेंट है उसकी जो स्वेलिंग हो जाएगी आर्म पे या फिर हमारे जो है हैंड पे स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जो हमारा फ्लूड है वो आगे पास आउट नहीं हो पाता, इसलिए उसमें से एयर निकालना प्रॉपर एयर निकालना नेसेसरी है। या फिर हम लोग क्या उसमें एक काम और करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है आईवी कंटेनर उसमें हम लोग एक साइड नीडल लगा देते हैं, जो हमारी सिरिंज में इंजेक्शन में हम लोग नीडल लगाते हैं वो लगा देते हैं, जिससे हम लोग उससे उसकी हेल्प क्यों लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन हमने उसमें इंसर्ट करना है तो हम लोग उस नीडल में सिरिंज लगाकर वो इंजेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे फ्लूइड में। अब जो हमारे पास आईवी सेट है इसकी इन्फ्यूज़न को हम लोग रेट को एडजस्ट करेंगे कि पेशेंट को स्लो देनी है आईवी इन्फ्यूज़न या फिर फास्ट देना है, तो मेनली जो हमारा रनिंग टाइम होता है इसका 4 से लेकर 8 आवर्स तक होता है आईवी ड्रिप का, जो आईवी इन्फ्यूज़न हम लोग देते हैं 4 से लेकर 8 आवर्स तक वो हमें ड्रिप ख़त्म करनी होती है। ये था हमारा आईवी सेट फर्स्ट। सेकंड है हमारा पिगी बैक मेथड। सेकंड है हमारा इसमें पिगी बैक मेथड। पिगी बैक मेथड में क्या है कि ये हम लोग मेथड रेफर करते हैं रेफर टू द इंटरमीडिएट आईवी ड्रिप ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। जैसे हमने एक हमने दो सॉल्यूशंस अगर देने पेशेंट्स को तो हम लोग सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे पिगी बैक मेथड। इस एक जो एक साइड तो हमारा जो प्राइमरी सेट लगा हुआ है, एक साइड हमारा पिगी सेकंड जो है जो सेकंड हमारा सेट है वो हम लोग लगाएंगे पिगी बैक सेट। अब इसका पर्पस क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं वेन पंचर्स साइट एंड एस्टैब्लिश्ड प्राइमरी, हमारे पास जो प्राइमरी सेट है और हमारा पिगी
वैक सेट है, इसको हम लोग लगा देते हैं। अब लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक पिगी बैक पोर्ट आता है हमारे पास, जिससे हमारे दोनों पाइप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे और जो एक ही फ्री में हमारी जो है एक ही पाइप में से दोनों सोल्यूशन आगे वो पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर होंगे। अब पिगी बैक मेथड हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा सोल्यूशन है उसको उसके डिल्यूजन करने के लिए, उसके सोल्यूशन को डिल्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पर पिगी बैक मेथड सेट का यूज करेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है उसको डिल्यूट करके हम लोग पेशेंट की बॉडी में अप्लाई कर सके। अब इसको हम लोग जो है ये प्राइमरी आईवी जो सेट्स है हम लोग इसमें इसका जो टाइमिंग मेनली जो पिगी बैक मेथड का टाइमिंग है वो 30 से 60 मिनट तक होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस द इरिटेशन, रिड्यूस द डिल्यूजन ऑफ द ड्रग, ड्रग के डिल्यूजन को कम करने के लिए हम लोग जो पिगी बैक मेथड का यूज करते हैं। ये मेनली हम लोग यूज करते हैं जैसे लंग्स के अगर किसी को प्रॉब्लम है या जिनको हाई लेवल पे कोई डिजीज है उसके उनमें ट्रीटमेंट करते टाइम हम लोग पिगी बैक मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिरिंजेस, ये थे हमारे आईवी सेट। सिरिंजेस आप लोग देखिए कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिरिंजेस आते हैं, ग्लास की होती है या फिर जो प्लास्टिक की सिरिंजेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है सिरिंजेस। सिरिंजेस का एक इंस्ट्रूमेंट्स है मीन जिसको हम लोग यूज करते हैं इंजेक्शंस ऑफ पैरेंटल प्रेपरेशन, पैरेंटल प्रेपरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए, पैरेंटल प्रेपरेशन को यूज करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग इंजेक्शन पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं इनटू बॉडी और इट्स कैविटीज, कि पेशेंट की बॉडी और उसकी कैविटीज में हम लोग जो इंजेक्शन है वो इंसर्ट करते हैं। उस इंजेक्शन को इंसर्ट करने के लिए जो हम लोग इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा क्या है, दैट इज सिरिंज। अब हमारे पास दो टाइप की सिरिंजेस हैं, फर्स्ट है प्लंजर हाइपोडर्मिक एंड सेकंड है बल्ब सिरिंजेस। फर्स्ट वन इज हाइपोडर्मिक मींस प्लंजर, सेकंड है बल्ब सिरिंजेस। अब हमारे पास जो हाइपोडर्मिक सिरिंजेस है इनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनको हम लोग यूज करते हैं यूज टू एडमिनिस्टर जब हम लोग जो मेडिकेशन है वो सबकुटेनियसली रूट से देनी है पेशेंट को, इंट्राडर्मली हम लोगों ने इंजेक्शन देना है पेशेंट को, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस हम लोगों ने इंजेक्शन देना है, उस टाइम हम लोग कौन सी सिरिंज का यूज करेंगे, प्लंजर मींस हाइपोडर्मिक सिरिंजेस का यूज करेंगे। ये हमारी हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, इसके मींस हाइपो का मीनिंग है यहाँ पे अंडर
सेकेंड हैंड डिस्पोजेबल, फोर टाइप की। फर्स्ट है ऑल ग्लास, सेकंड है हाफ रिकॉर्ड, ऑल ग्लास में हमारे पास क्या है कि जो हमारी सिरिंज है वो ग्लास की होगी, प्रॉपरली वो ग्लास की होगी। उसमें हमारे पास वो उसका एडवांटेजेस क्या है कि जो ग्लास की सिरिंजेस होती है वो इजीली क्लीन हो जाती है। जब हम लोग उनको यूज करते हैं तो हम लोग उनको स्टेरिलाइज करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद उसको हम लोग अगेन जो है वो वापस यूज कर सकते हैं। सेकंड है हाफ रिकॉर्ड, जो हाफ रिकॉर्ड सिरिंजेस है इसमें हमारे पास हाफ तो ग्लास की होगी और बीच में इसके मेटल होगा। इसका डिसएडवांटेजेस क्या कि हम लोग इन सिरिंजेस को इजीली क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि मेटल होने के कारण। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो हमारे पास रिकॉर्ड है हाफ रिकॉर्ड है इसमें मेटल होता है जिसके कारण इनको थोड़ा डिफिकल्ट है जो है क्लीन करना। रिकॉर्ड में ये प्रॉपरली मेटल की सिरिंजेस होती हैं, इनको जो है इसमें ज्यादा डिफिकल्टी आती है प्रॉपरली इनको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आए थे डिस्पोजेबल सिरिंजेस। डिस्पोजेबल सिरिंजेस सिर्फ जो आजकल जो प्लास्टिक की सिरिंजेस चलती हैं उनको हम लोग बोल देते हैं डिस्पोजेबल सिरिंजेस, जिनको सिर्फ हम लोग एक ही टाइम में एक ओकेजन पे वन टाइम ही हम लोग यूज कर पाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट पॉली जो स्टायरिन से प्रिपेयर होती हैं। अब जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं डिस्पोजेबल सिरिंजेस देखी होंगी, किसमें हमारे पास एक जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस है उसमें जो ए है हमारा ए का मैंने क्या कि हमारे ट्रांसपेरेंट जो है पॉलीस्टाइरीन है, ये हमारे ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरिन से प्रिपेयर होता है। बी हमारा क्या है पॉलीस्टाइरिन प्लंजर, जिसमें हम लोग जैसे जो बैग करके निकालते हैं जो सिरिंज को प्लंजर होता है वो हमारा क्या है बी पार्ट है। और सी हमारा क्या है जो उसमें एक ब्लैक कलर का ग्रिप होता है, जो ब्लैक कलर का ग्रूमेट होता है उसको वो हमारा क्या है सी, जिसके कारण आगे जो प्लंजर के आगे लगा हुआ होता है जिसके कारण जो हमारा फ्लूइड है वो आगे निकलता रहता है। ये हमारे डिस्पोजेबल सिरिंजेस है कि ये जो हमारी सिरिंजेस है ये मेनली किससे बनी होती है ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरीन से। इनके तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरीन, सेकंड पार्ट है हमारा जो बी पार्ट है वो है हमारा पॉलीस्टाइरीन प्लंजर, और सी पार्ट है हमारा जिसमें एक ग्रूमेट लगा हुआ होता है जिससे जो फ्लूइड आगे जाता है जो प्लंजर के आगे लगा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रबर ग्रूमेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ल्यूर सिरिंजेस। जो ल्यूर सिरिंजेस होती हैं ये हमारे ज्यादा एक्सपेंसिव सिरिंजेस होते हैं, इसलिए इनका हम लोग जो यूज है वो बहुत कम करते हैं। ये मेनली इसको हम लोग यूज करते हैं जब एक्यूरेट जो मेडिसिन है उसको मेजर करना है उस टाइम हम लोग ल्यूर जो सिरिंजेस है उनका यूज करेंगे। सेकेंड हमने इसमें डिस्कस की थी बल्ब सिरिंजेस। बल्ब सिरिंजेस कौन सी होती है ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड इज यूजली वेयर द स्टेराइल, जहाँ पर स्टेराइल जो सिरिंजेस की जरूरत नहीं होती, नीड नहीं होती, वो जो स्टेराइल सिरिंजेस नेसेसरी नहीं होती वहाँ पर हम लोग जो है बल्ब सिरिंजेस का यूज करते हैं।
ये पर्टिकुलरली हम लोग नोज और ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं बल्ब सिरिंजेस। इसमें जैसे जो हमारे पास नेसल सिरिंजेस है जो नोज के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो सॉफ्ट रबड़ से प्रिपेयर होते हैं। सॉफ्ट रबड़ बल्ब होता है उसमें। इसमें हम लोग 1 औंस तक जो कैपेसिटी है वो हम लोग ड्रग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, इसमें ईयर सिरिंजेस, ईयर सिरिंजेस भी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होंगी, फ्लेक्सिबल रबड़ होती है जिसको हम लोग लॉन्ग नैरो नोजल होती है आगे, जिसको हम लोग एयर में इंजेक्शन देने के लिए उसका ट्रीटमेंट करते टाइम हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रायल ट्यूब्स। रायल ट्यूब्स आप लोगों ने देखी होगी हॉस्पिटल्स में किसी के ट्रीटमेंट के टाइम में, कि ये जो ट्यूब्स होते हैं ये रबड़ की बनी हुई होती हैं, रेड रबड़ की। जो रायल ट्यूब्स होती है वो रेड कलर के जो रबड़ की है वो बनी हुई होती है, ये मीटर लॉन्ग होगी, रेड रबड़ होगी, सिंथेटिक ट्रांसपेरेंट होगी ये ट्यूब। इसकी जो टिप है, टिप होगी वो क्या है हमारे पास, जो टिप है इसकी वो हमारे पास ट्यूब विजिबल होती है। जैसे हम लोग अगर इसको इंसर्ट करेंगे हमारी बॉडी में तो हमारे पास जो टिप है वो हमें एक्सरे के थ्रू इंसर्ट होता दिखता रहेगा, विजिबल होती रहेगी कि हमारी जो ट्यूब है वो बॉडी के किस पार्ट तक पहुंच रही है। इसमें मार्क लगे हुए होते हैं, फर्स्ट मार्क यहाँ पे जो लगा होता है वो है 40 सेंटीमीटर तक। जब हम लोग इस ट्रिप जो है ट्यूब को नोज में इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी में, तो 40 सेंटीमीटर तक ही हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें जो लगा हुआ होता है मार्क है, जो सेकंड मार्क है, सेकंड मार्क हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वहां तक लगा होगा। जब ये हमारा जो है ओसोफेगस तक हमारे जो पहुंच जाती है हमारे ट्यूब्स उस टाइम के लिए होता है। और थर्ड हमारा है जो मार्क है वो हम लोग 60 या फिर 65 सेंटीमीटर तक लगा होगा। जब ये हमारे स्टमक तक हमारी जो पाइप से पहुंच जाती है उसके लिए मार्क है। ये हमारे जो रायल ट्यूब्स है, रायल ट्यूब्स हम लोग जो यूज करते हैं इसका मेनली हम लोग यूज किस में करेंगे, जैसे हमारा फीडिंग के टाइम अगर किसी की प्रॉब्लम है, किसी को वो पेशेंट है जो खा नहीं सकता या कोमा में जा चुका है, या फिर उसको जो है कई बार जैसे कोई भी जो है सीजर्स पड़े हुए हैं पेशेंट को, तो उस टाइम हम लोग इस ट्यूब्स का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम लोग पेशेंट को फीड देते हैं, या हमारे जो पेशेंट है जिन्होंने पॉइजन ले लिया है उसको पॉइजन बॉडी में से रिमूव करने के लिए हम लोग रायल्स ट्यूब का यूज करते हैं। थर्ड है जो गैस्ट्रिक लीवेज है, स्टमक है, गैस्ट्रिक लीवेज है, उसको वॉश करने के लिए हम लोग क्या रायल्स ट्यूब का यूज करेंगे। ये जो ट्यूब्स है ये मेनली इन जो सिचुएशंस में उन्हीं में यूज की जाती है, जैसे फीडिंग, पॉइजन और गैस्ट्रिक यूज। ये हमारे जो हम लोग इंसर्ट करेंगे उसके इंसर्ट करते टाइम जब बॉडी में हम लोग नोज के थ्रू इंसर्ट करेंगे इसको, तो वो हमारे एक्सरे के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सीन करते रहेंगे कि हमारे जो ट्यूब है वो पेशेंट के कौन से पार्ट तक गई है और हमें कितनी जो ट्यूब है उसकी नीड है कि हमें पेशेंट का गैस्ट्रिक लीवेज क्लीन करना है, वॉश करना है, या स्टमक में से जो पॉइजन है वो रिमूव करनी है। ये था हमारा जो चैप्टर सर्जिकल ड्रेसिंग। ये हमारा जो सर्जिकल ड्रेसिंग है ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है जो वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।